वेल अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली टेक वीडियोस लाता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वेल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किसी भी एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में स्क्रीन सेवर या फिर वॉलपेपर को कैसे सेट करते हैं। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप खुद के घर की कोई एल्बम लगाना चाहते तो वो भी लगा पाएंगे, और साथ ही साथ अगर अपना कोई फ़ोटो सेट करना चाहते हैं वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में तो आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको जाना होगा डिवाइस प्रेफरेंसेस में। तो यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन सेवर का, ठीक है। तो स्क्रीन सेवर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ऐप डाउनलोड की है अपने स्मार्ट टीवी में, फोटो गैलरी एंड स्क्रीन सेवर, ठीक है। तो जितनी भी ऐप्स आप डाउनलोड करेंगे नेट पर, प्ले स्टोर पर बहुत से भर भर के एप्लीकेशन से वॉलपेपर के लिए। तो जैसे कि अभी आपको ये मैंने बैकड्रॉप रखा, तो बैकड्रॉप पे तो ठीक है, लेकिन ये टनल नाम की मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, आप टनल को देखिए। और टनल में यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 इस तरह के टनल्स हैं, अगर मैं ये वाले पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो ये जो अभी जो है इसका आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, तो आपका जो स्क्रीन सेवर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। तो ये टनल है, वैसे ही आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं अपने हिसाब से, कोई भी नेचर का या फिर कोई गैलेक्सीज़ का आप कोई भी रख सकते हैं स्क्रीन सेवर। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आप अपना फ़ोटो कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पहला ऑप्शन देखते हैं, ये है वैन टू स्टार्ट, ठीक है। तो ये अगर आप 2 घंटे इनएक्टिविटी रखते हैं या 5 मिनट पे करते हैं, 5 मिनट पर अगर आप टच नहीं करें अपने टीवी को तो वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने 2 घंटा रखा है क्योंकि मैं नॉर्मली स्क्रीन सेवर का यूज़ नहीं करता। और ये जो है डिवाइस स्लीप पे चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं अपने फ़ोटो या अपना कोई एल्बम करना हो तो ये देख सकते हैं यहाँ पर फोटो गैलरी एंड स्क्रीन सेवर, ये एक ऐप है, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको आपकी इसकी लिंक दे दूंगा। तो ये देखिए फ़ोटो सोर्सेस, मतलब कि कन्फिगर सोर्सेस टू इंक्लूड फोटोज़ एंड वीडियोज़ फ्रॉम, ठीक है। फ़ोटो भी चलेगा, वीडियो भी चलेगा। अगर आप ड्रॉप बॉक्स में रख के अपने फ़ोटो को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो आपको आपका ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, बट मैंने यहाँ पे एक पेन ड्राइव लगा के रखी है तो एक्सटर्नल ड्राइव्स में वो पेन ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा। नीचे आप देख सकते हैं फेसबुक का भी ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ पर मैं पेन ड्राइव से अगर करना चाहता हूँ तो एक्सटर्नल ड्राइव्स पे क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज कंटेंट, मतलब आप कौन सी एल्बम दिखाना चाहते हैं अपने टीवी में एज ए स्क्रीन सेवर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो शो एल्बम्स यहाँ पर दिखेगा, तो जितने भी आपके फ़ोटोज़ हैं गैलरीज और वगैरह वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी। और दूसरी जो है मैनेज स्क्रीन सेवर एल्बम्स पे क्लिक करते तो यहाँ पर मेरे जितने भी एल्बम्स है वो दिख जाएंगी। तो मुझे जिसको भी करना है उस पर मुझे इस तरह से क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये जो एल्बम है वो दिखाई देगी, फोल्डर्स दिखेंगे, जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अगर एक ही फ़ोटो दिखाना है तो आप कोई भी एक फ़ोल्डर बना दीजिए, उसमें वो एक ही फ़ोटो रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है मैनेज गैलरी एल्बम में, ये करने के बाद में स्क्रीन सेवर में अगर वीडियो आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन को आपको ऑन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो वीडियो भी चलेगा। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें और एल्बम सिलेक्ट करने के बाद में ये देख सकते हैं कि 16 एल्बम सिलेक्ट की हैं। बैक चलता हूँ मैं, बैक चलने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको कर देना होगा सिंक्रोनाइजेशन। तो ये आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है सिंक्रोनाइज नाउ पे, ताकि आपका जो भी फोटोज और वीडियोस है वो इसके साथ सिंक हो जाए। अब बैक चलते हैं, सिंक हो चुका है। तो यहां पर अब सारी चीजें हो चुकी हैं। बैक जाने के बाद में अब मैं अगर स्टार्ट नाउ करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो घर के एल्बम से वो आपको यहां पर दिखाई देंगी, ठीक है। यहां पर आप डिले टाइम भी सेट कर सकते हैं कि ये जो फोटो है वो कितनी देर तक इस स्क्रीन पे बना रहे हैं, वो भी आपको सेटिंग फोटो गैलरी एंड स्क्रीन सेवर ऐप में मिल जाएगी। इसके अलावा भी मैं आपको 4 से 5 ऐसी एप्लीकेशंस दे दूंगा जिसमें बहुत ही कमाल के आपको स्क्रीन सेवर मिल जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप किसी भी टीवी में ये चीज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये सोनी ब्राविया का है टीवी, तो आप अपने टीवी में भी ये चीज़ कर सकते हैं। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड हाँ इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।